नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल के ग्राम बिरुल बाजार में हर्षोल्लास से मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बैतूल जिले के ग्राम बिरुल बाजार में ग्राम की समस्त महिलाओं ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया, जिसमें मुल्ताई, बैतूल, प्रभात पट्टन एवं अन्य जिले से तथा बिरुल बाजार के अलावा कई गांव की बौद्ध समाज, माली समाज और तमाम समाज की गणमान्य महिलाएं उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाकर सफल बनाया और ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की आन बान शान, महिलाओं का सम्मान को और महिलाओं की शिक्षा के बारे में सभी महिला अतिथियों ने अपने अपने विचार ग्राम की समस्त ग्राम की महिला एवं पुरुषों के समक्ष रखे। कार्यक्रम के शुरुआत में तद्गत भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहेब अम्बेडकर, सावित्री बाई फुले, फातिमा शेख, अशोक सम्राट की बेटी राजमाता संघमित्रा, राजमाता जजाईबाई, भीमाबाई, रमाबाई, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारीबाई, रानी अवंतिका देवी, केरल में जन्मी नागालिका बाई, कल्पना चावला एवं अन्य महापुरुषिकाओं की छाया चित्रों को पुष्पमाला अर्पण कर नमन किया और उनके जीवन का परिचय दिया, जिसमें बताया कि इन्हीं महापुरुषों के द्वारा आज महिलाओं को आज़ादी मिली है, जिसकी वजह से पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश की सेवा में भागीदारी है और परिवार तथा समाज की सेवा में तत्पर है। कार्यक्रम के दौरान ये बताया कि बाबा साहेब अम्बेडकर के हिंदू कोर्ट बिल की वजह से भारत की तमाम महिलाओं, डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रधानमंत्री, विधवाओं का पुनः विवाह तथा जातिवाद को खत्म करने के अंतरजातीय विवाह, महिलाओं को सरकारी नौकरी डिलीवरी के बाद 6 माह की छुट्टी इसी हिंदू कोर्ट बिल की वजह से मिला है, सावित्री बाई फुले की वजह से महिलाओं को शिक्षा का अधिकार और अन्य अधिकार एवं सम्मान उपरोक्त महापुरुषों की वजह से मिला। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष रूपाली खाड़े, आयुष्मती सुषमा दीदी, पुष्पा पटेल, संगीता उबनारे, सरिता गोगरकर, नीलू खतरकर, ग्राम की उप सरपंच श्रीमती साहू, जनपद सदस्य ज्योति बनाइट एवं सुषमा महाजन ने अपने विचारों में महिलाओं को एकजुट रहकर आपसी समावेश बनाकर महिलाओं के हक एवं अधिकार की बात कही एवं अन्य गणमान्य महिला ने महिलाओं ने विकास हेतु अपने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में पुरुषों ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया, जिसमें जेडी पाटिल, विकास पाटिल, राजेश पाटिल, बाबूराव पाटिल, अनिल पाटिल, राजेश वात्या पाटिल, किशोर पाटिल, विशाल पाटिल, गणेश पाटिल, मुकेश पाटिल, कंचन पाटिल, दिनेश पाटिल, नानू पाटिल, राजेश हुबनरे एवं ग्राम के अन्य लोगों का कार्यक्रम में योगदान रहा। इस कार्यक्रम में ग्राम के सरपंच जीवन बनकर तथा समस्त पंचगण रमेश सोनी, गब्बर कनेरे, तानू पाटिल आदि तथा बोध्या बिहार मुल्ताई के भंतेजी ने उपस्थित देकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रमाबाई महिला मंडल से मायाबाई पाटिल एवं मंडल की समस्त महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा तथा मंच संचालन में गीताबाई नागले बैतूल द्वारा विशेष भूमिका रही। प्रभात पटन ब्लॉक रिपोर्टर डॉक्टर प्रभाकर वाघमारे की रिपोर्ट। के ढंग चाहिए, बराबरी के हक चाहिए, घर में बराबरी हो, जहाँ व्यक्ति सामने वाला बात करे और कहे तेरी तकलीफ बता और शाम को आने के बाद पूछे थक गई, घर के काम करके भी मैं भी बाहर से आया हूँ थका हुआ हूँ, दोनों अपनी तकलीफ बांटे, उसको ये तो पता चले कि सामने वालों को घर के काम की कीमत समझ में आ रही है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अभी सरकारी एक आंकड़ा निकला था पेपर में कि महिलाएं जो हैं वो 23 लाख करोड़ का घर का काम करती हैं, अवैतनिक काम जिसका कोई मूल्य नहीं, और वही काम अगर 23 लाख करोड़ का काम अगर महिलाएं बंद कर दें तो वो सब बाइयां लगाएंगे, हम झाड़ू पोछे वाली बाई, खाना बनाने वाली बाई, वो मेंबर गिन के खाना बनाएगी, अपनी पत्नी के जैसे नहीं कि आगे कोई दो मेहमान तो और प्यार से खिला देगी, बाई बाई की तरह काम करेगी। और हम महिलाएं परिवार भी लेके चलते हैं, समाज भी लेके चलते हैं और जबरदस्ती से थोपे गए संस्कार भी ढो लेते हैं।